इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। सर, आज ऑपरेशन आशा के तहत संबंधित थाना क्लक टावर ने बाल श्रम में मुकदमा दर्ज किया है अपने कैसरगंज के अंदर। टॉम एंड जेरी करके शॉप है जिससे एक 15 साल के बच्चे को हमने बाल श्रम से मुक्त करवाया है। आपकी टीम में कौन कौन था आज? मैं चाइल्ड लाइन से राजेंद्र पवार, चाइल्ड लाइन काउंसलर, राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाइल्ड लाइन के सहयोगी संगठन है उससे, और हमारे साथ में दिनेश कुमार जी थे टीम मेंबर, और संबंधित थाना के पुलिस पर्सन बिजेंद्र सिंह जी और सावरलाल जी थे। पुलिस चौकी से इंचार्ज बलदेव सर। कितने बच्चों को आज में करवाया? आज हमने एक बच्चा है यहाँ पे, और इसके अलावा और भी शहर में संबंधित थाने अपनी अपनी कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। आपका नाम? मैं राजेंद्र पवार, राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्थान चाइल्ड लाइन का सहयोगी संगठन, वहाँ से काउंसलर। आज दिनांक 15/11/19 को करीब 4 बजे इतला मिली कि कैसरगंज गोल चक्कर के पास के अंदर टॉम एंड जेरी नाम की दुकान है जहाँ पर नाबालिग बच्चा है जिसके साथ में बाल श्रम करवाया जा रहा है। आदि इतला पर चाइल्ड लाइन के टीम प्रभारी श्री राजेंद्र पवार, उसके साथ दिनेश कुमार वे विजेंद्र सिंह कांस्टेबल को हमरा लेके थाने से रवाना होकर मुताबिक इतला के सरगज पहुँचे, जहाँ पर बताए अनुसार टेम जोरी दुकान पर एक बच्चा नाबालिग करीब 14 वर्ष का मिला, जिसको चाइल्ड लाइन प्रभारी राजेंद्र कुमार द्वारा पूछताछ की गई, हमरा लेकर पूछताछ की गई। उक्त बालक ने अपना नाम राहुल पुत्र धारीराम, जाति कंजर, उम्र 14 साल, निवासी रामगंज का रहने वाला बताया, जिसने करीब 6-7 महीनों से उस दुकान पर काम करना बताया और बाल श्रम के बदले करीब 4300 रुपये प्रतिमा मजदूरी लेना बताया गया। श्री राजेंद्र कुमार द्वारा पूरी पूर्णतया पूछताछ के बाद ये पाया गया कि दुकान मालिक द्वारा उक्त बच्चे से बाल श्रम करवाया जा रहा है, जिसके विरुद्ध जेजे एक्ट के अंतर्गत अपराध धारा 79 नवीन किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख एवं संरक्षण 2015 एवं 374 IPC के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, और आरोपी मुलजिम प्रदीप कुमार पुत्र श्री हांसा राम जाति सिंधी को हमरा लेके पूछताछ की जा रही है।